हेलो एवरीवन, राहुल मिश्रा नाम है हमारा। और आज के इस वीडियो में हम लोग मई लास्ट वीक की बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है। और अपने पिछले वीडियो में हम लोगों ने मई थर्ड वीक की बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस डिस्कस की थी, उसका वीडियो प्लेलिस्ट में है। और अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा और देखना चाहते हैं तो जाकर उन सारी चीज़ों को देख सकते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखना है, जितनी देर में मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा इतनी देर में खुद से आप लोगों को इसका आंसर देने की कोशिश करनी होगी, ठीक। बात को बहुत ज़्यादा लंबा नहीं कीजिएंगे, सीधे क्वेश्चन से चीज़ों को डिस्कस करेंगे और देखते हैं कि पहले क्वेश्चन में क्या बोला गया है। विच इज़ द फर्स्ट बैंक टू इशू फॉरन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट FPL टू एन अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड AIF इनकॉर्पोरेटेड इन गिफ्ट इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर। गिफ्ट इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर में शामिल एक वैकल्पिक निवेश कोष को विदेशी पोर्टफोलियो निवेश जारी करने वाला पहला बैंक कौन सा है, ये इसमें पूछा गया है। कोटक महिंद्रा बैंक ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी कोटक महिंद्रा बैंक इसका आंसर हो जाएगा। ए सेविंग्स प्लान नेम्ड विजन लाइफ इनकम प्लस प्लान हैज बीन लॉन्च्ड बाय विच इंश्योरेंस कंपनी। किस बीमा कंपनी के द्वारा विजन लाइफ इनकम प्लस प्लान नामक एक बचत योजना शुरू की गई है, इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब होगा। और आदित्य बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस ऑप्शन नंबर ई इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आदित्य बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस ऑप्शन नंबर ई इसका आंसर हो जाएगा। इस प्लान के माध्यम से पॉलिसी होल्डर्स को गारंटीड रेगुलर इनकम जो है वो उसका मतलब प्राप्त होगी। और प्लान के बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जानेंगे। आदित्य बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस के हेडक्वार्टर की अगर हम लोग बात करेंगे तो मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। विच ऑर्गेनाइजेशन हैज रिसेंटली इम्पोज ए फाइन ऑफ ₹5.25 crores ऑन कैरन इंडिया फॉर फ्रॉड अंडर शेयर बायबक्स, ठीक है। और इसका आंसर जो हो जाएगा, इसमें पूछा गया है कि हाल ही में किस संगठन ने शेयर बाय बैंक के तहत धोखाधड़ी के लिए केयर इंडिया पर 5.25 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है, ठीक ना। और इसका जो आंसर होगा सेवी, ऑप्शन नंबर है सेवी। इन सभी का हेडक्वार्टर कहाँ पर होगा आप लोगों को पता होगा, ऐसी में उम्मीद कर रहा हूँ। नेक्स्ट, हाउ मच अमाउंट हैज रिसेंटली बीन अप्रूव्ड बाय द RBI बोर्ड एज इट्स सरप्लस मनी टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। RBI बोर्ड द्वारा हाल ही में केंद्र सरकार को अपने अधिशेष धन के रूप में कितनी राशि स्वीकृत की गई है, ठीक है। और ये बढ़िया क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये अमाउंट आप लोग याद रखना। इसमें ये पूछा गया है कि RBI बोर्ड के द्वारा जो RBI का सरप्लस अमाउंट होता है, सरप्लस मनी जो होती है, वो कितना सरप्लस मनी केंद्र सरकार को दिए जाने का प्रावधान किया गया, कितना अप्रूवल मिला है कि कितना सरप्लस मनी जो है RBI के द्वारा केंद्र सरकार को दी जाए। इसका जो आंसर हो जाएगा 99,122 करोड़, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। 99,122 करोड़ रुपए RBI के द्वारा सरप्लस अमाउंट के रूप में सेंट्रल गवर्नमेंट को दिया जाएगा। और ये सरप्लस अमाउंट जो है वो लास्ट 9 महीने का है, पिछले 9 महीने के दौरान जो है इतना सरप्लस अमाउंट जो है इकट्ठा हुआ है, मतलब कि जुलाई 2020 से लेकर मार्च 2021 के, ठीक ना, मार्च 2021 के बीच में 99,000 जो है 122 करोड़ रुपए का सरप्लस अमाउंट इकट्ठा हुआ। और ये जो है इस ड्यूरेशन में जो है इतना अमाउंट जो है ये RBI के द्वारा सेंट्रल गवर्नमेंट को दिया जाएगा। RBI के चारों डिप्टी गवर्नर के नाम आप लोगों को पता होने चाहिए। नेक्स्ट, एज पर सेवीज रिसेंट चेंज इन सेवी VCF's रेगुलेशन 1996, व्हाट इज द इंक्रीज्ड इन्वेस्टमेंट लिमिट इन ओवरसीज एज मार्केट बाई अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स AIFs एंड वेंचर कैपिटल फंड्स VCFs। सेवी VCF नियम विनियम 1996 में सेबी के हालिया बदलाव के अनुसार वैकल्पिक निवेश कोष और वेंचर कैपिटल फंड द्वारा विदेशी बाजारों में निवेश की बढ़ी हुई सीमा क्या है। हिंदी टफ लग रही हो तो इंग्लिश पढ़ लेना, इंग्लिश से चीज़ें और आसानी से क्लियर समझ में आ जाएंगी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा $1500 मिलियन, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी $1500 मिलियन इसका आंसर हो जाएगा। और ये पहले लिमिट कितनी थी, पहले ये लिमिट जो थी $750 मिलियन की थी, इसे दूना कर 1500 मिलियन कर दिया गया, ठीक। बहुत डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, बस इतना हमको जानना था वो हमने जान लिया। आगे बढ़ेंगे, व्हाट इज द नेम ऑफ द इंडियाज फर्स्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक विच हैज रिसेंटली ऑफर्ड द ऑनलाइन प्रोसेस ऑफ अकाउंट ओपनिंग फॉर नॉन रेजिडेंट इंडियंस NRIs, ठीक है। भारत के उस पहले लघु वित्त बैंक का नाम क्या है जिसने हाल ही में अनिवासी भारतीयों के लिए खाता खोलने की ऑनलाइन प्रक्रिया पेश की है, ये हिंदी में पूछा गया है, हिंदी में इसका मतलब होगा। और इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक ऑप्शन नंबर इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक ऑप्शन नंबर इसका आंसर हो जाएगा। इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक इंडिया की पहली स्मॉल फाइनेंस बैंक बन गई है जिसने अभी हाल ही में NRIs के लिए ऑनलाइन अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस शुरू किया हुआ है। ऐसा करने वाली इंडिया की पहली स्मॉल फाइनेंस बैंक है ये, ठीक है। और साथ ही साथ में
टाइम जोन के हिसाब से वर्चुअल रिलेशनशिप मैनेजर रखने वाली इंडिया की पहली स्मॉल फाइनेंस बैंक भी है, इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक। क्योंकि ये इंडिया की पहली स्मॉल फाइनेंस बैंक बन रही है जो ऐसा काम कर रही है, इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। स्टैटिक जीके की दृष्टि से, स्टैटिक बैंकिंग की दृष्टि से भी ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है, तो आप लोग इसको ध्यान से समझिएगा। कहीं नोट डाउन वगैरह करना चाहते हो तो आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। NRIs के लिए ऑनलाइन अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस शुरू करने वाली है, जो है इंडिया की पहली स्मॉल फाइनेंस बैंक बन गई है, इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक। ठीक है, ये बढ़िया क्वेश्चन था, बैंकिंग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, तो ये मैंने इस पर इसीलिए फोर्सफुली थोड़ा सा जोर देकर इन सारी चीज़ों को बताया। स्टैटिक का भी यहाँ पर क्वेश्चन बन रहा है, तो ये चीज़ें आप लोग ध्यान में रखिएगा। यहाँ पर बात हुई इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक की, इसकी टैगलाइन की अगर हम लोग बात करेंगे तो इट्स फन बैंकिंग, इसकी टैगलाइन हो जाएगी इट्स फन बैंकिंग। ठीक है, इट्स फन बैंकिंग इसकी टैगलाइन हो जाएगी। हेडक्वार्टर की बात करेंगे तो चेन्नई तमिलनाडु में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। ठीक, इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में मैंने बता दिया। बाकी के और जो भी स्मॉल फाइनेंस बैंक हैं इनका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, ये एटलीस्ट आप लोगों को पता होना चाहिए। टैगलाइन भी पता है तो बहुत बेहतर है। आगे बढ़ते हैं। विच बैंक हैज रिसेंटली बीन फाइंड बाई RBI विद ₹1 crores फॉर नॉन कंप्लाइंसेज विद MSME सेक्टर लेंडिंग डायरेक्शंस। हाल ही में किस बैंक पर MSME क्षेत्र के ऋण निर्देशों का पालन ना करने के लिए RBI के द्वारा ₹1 करोड़ का जुर्माना लगाया गया है, ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। इसका हिंदी में मतलब होगा और इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सिटी यूनियन बैंक एंड तमिलनाडु मर्चेंटाइल बैंक। ऑप्शन नंबर कौन सा है ये? ऑप्शन नंबर ई इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों हैं। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ई इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर ई में बोथ ए एंड बी दोनों दिया गया है। तो अभी सिटी यूनियन बैंक और तमिलनाडु मर्चेंटाइल बैंक पर जो है वो MSME सेक्टर लेंडिंग डायरेक्शंस का पालन ना करने के लिए RBI के द्वारा जो है ₹1 करोड़ का जुर्माना लगाया गया है। ठीक है, ₹1 करोड़ का जुर्माना लगाया गया है। और RBI ने अभी कुछ और बैंकों पर भी जुर्माना लगाया है, कौन कौन सा है उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं। तो KYC और इंटरेस्ट रेट ऑन डिपॉजिटर्स नियम का उल्लंघन करने के लिए अहमदाबाद बेस्ड नूतन नागरिक सहकारी बैंक पर भी ₹90 लाख का जुर्माना लगाया गया है। कितने का? ₹90 लाख की पेनल्टी लगाई गई है। किसके द्वारा? RBI के द्वारा। क्यों लगाई गई है? KYC और इंटरेस्ट रेट ऑन डिपॉजिट्स नियमों का उल्लंघन करने के लिए कौन सी बैंक पर लगाई गई है? तो नूतन नागरिक सहकारी बैंक, ये कहाँ पर स्थित है? ये बैंक जो है अहमदाबाद गुजरात बेस्ड ये बैंक है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर ही इसका आंसर हो जाएगा। ये जो मैं अलग से चीज़ें बताता रहता हूँ, ये जो पेड PDF होगी वहाँ पर तो आप लोगों को मिलेगा ही, लेकिन अगर आप लोग जो लोग पेड PDF वगैरह नहीं परचेज करते, नॉर्मल वीडियो वगैरह देख रहे हैं, वो आप लोग क्या है इसको नोट डाउन भी करते रहा करो। ठीक ना, क्योंकि चीज़ें यहाँ से भी बन सकती हैं, हर बात के लिए छोटा छोटा क्वेश्चन नहीं बना सकते, इसके लिए भी एक अलग से क्वेश्चन नहीं बना सकते थे। तो कई बार क्या होता है कि एक ही क्वेश्चन में कई सारी चीज़ें बता दी जाती हैं, तो एक्सप्लेनेशन को ध्यान से सुना करो और वीडियो को एक दो बार देख लिया करो, एटलीस्ट दो बार देख लिया करोगे तो चीज़ें आप लोगों के ध्यान में आ जाएंगी, फिर एग्जाम में कोई गलती होने का चांसेस नहीं रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। LIC हैज रिसेंटली एक्वायर्ड एन एडिशनल 2% स्टेक इन विच बैंक। LIC ने हाल ही में किस बैंक में अतिरिक्त 2% हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया है, ये इसमें पूछा गया है। और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। ठीक है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। अभी तक UBI में, UBI यानी कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, अभी तक UBI में LIC की हिस्सेदारी वो कितनी थी? 3.09% थी। ठीक है ना, 3.09% की हिस्सेदारी थी, जो अब बढ़कर कितनी हो गई? 5.09% की हो गई है। ठीक ना, क्यों हो गई? क्योंकि अभी अतिरिक्त 2% की हिस्सेदारी जो है LIC ने UBI में खरीद लिया, तो पहले 3.9% की हिस्सेदारी थी, अभी बढ़कर 5.09% की हिस्सेदारी इसकी हो गई है। और इन दोनों का, किसका किसका? LIC का और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का, इन दोनों का हेडक्वार्टर जो है ये मुंबई महाराष्ट्र में है, ये आपको याद होना चाहिए। और अगर हम लोग बात करें यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की, तो इसके MD और CEO की अगर हम लोग बात करेंगे तो राज किरण राय जी, मैं लिख दे रहा हूँ राज किरण राय जी, ये इसके MD और CEO हो जाएंगे। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के बारे में मैंने बता दिया है, बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, इसका हेडक्वार्टर, इसके MD CEO, इसकी टैगलाइन, ये आपको पता होना चाहिए और बहुत सारे लोगों को पता होगी, ऐसी मैं उम्मीद भी करता हूँ। आगे देखते हैं। एज पर द रिसेंट अमेंडमेंट बाय द फाइनेंस मिनिस्ट्री, व्हाट इज द रिवाइज्ड FDI लिमिट इन द इंश्योरेंस सेक्टर। वित्त मंत्रालय के हालिया संशोधन के अनुसार बीमा क्षेत्र में संशोधित FDI सीमा क्या है, ये इसमें पूछा गया है। 74% ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। ठीक है, 74% ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। पहले इंश्योरेंस सेक्टर में FDI लिमिट जो है वो 49% हुआ करती थी। चीज़ों को सुनना आप लोग ध्यान से, मुरारी बापू की कथा अगर सुन रहे हो तो वहाँ से, उस जोन से बाहर निकलो, पंजीरी चरणा में तब खत्म हो गई है, अब सुनो इसको। ठीक है,
पहले इंश्योरेंस सेक्टर में एफडीआई लिमिट जो है 49% की हुआ करती थी, इसे अब बढ़ाकर 74% कर दिया गया है, ठीक है ना। और इससे भी पहले इंश्योरेंस सेक्टर में एफडीआई जो है वो 26% की हुआ करती थी। अगर हम लोग शुरुआत से बात करें तो 2015 में, कब 2015 में, 2015 में इंश्योरेंस में एफडीआई जो है, इंश्योरेंस सेक्टर में एफडीआई जो है वो 26% की हुआ करती थी, जिसे जो है बाद में बढ़ाकर 26% से बढ़ाकर 49% किया गया था, और अब इस 49% से बढ़ाकर इंश्योरेंस सेक्टर में एफडीआई को 74% कर दिया गया है, ठीक। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर आप लोगों को बता दी गई। फिनेंस मिनिस्ट्री की बात हुई है तो फिनेंस सेक्रेटरी कौन है ये आप लोग कमेंट करके बताओगे। फिनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी हैं, इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या है ये आप लोग कमेंट करके बताओगे। फिनेंस मिनिस्टर में मिनिस्टर ऑफ स्टेट कौन है ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। पता है तो आप लोग वो भी कमेंट करो, आगे बढ़ेंगे। महिंद्रा रूरल हाउसिंग फिनेंस लिमिटेड MRHFL हैज रिसेंटली टाइड अप विथ विच पेमेंट बैंक फॉर द कैश मैनेजमेंट सोल्यूशन। महिंद्रा रूरल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड ने हाल ही में नगद प्रबंधन समाधान के लिए किस भुगतान बैंक के साथ में करार किया है ये इसमें पूछा गया है। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, ऑप्शन नंबर ही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। IPPB, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक इसका आंसर हो जाएगा। इस पार्टनरशिप के बाद IPPB जो है वो MRHFL को जो है कैश मैनेजमेंट और कलेक्शन सर्विसेज प्रोवाइड करेगी। IPPB की यहाँ पर बात हुई है तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर हो जाएगा, न्यू दिल्ली में, नई दिल्ली में जो है इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा, ठीक है। इसकी टैगलाइन की अगर हम लोग बात करेंगे तो आपका बैंक आपके द्वार, आपका बैंक आपके द्वार, ये इसकी टैगलाइन हो जाएगी। MD और CEO की बात करेंगे किसके, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के, तो जे वेंकट रामू, मैं लिख दे रहा हूँ जे वेंकट रामू, ठीक है ना, ये इसके MD और CEO हो जाएंगे। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के बारे में मैंने मैक्सिमम चीज़ें बता दी हैं। एयरटेल, जियो, पेटीएम और फिनो, ये आपकी जिम्मेदारी है, इसको आप लोग संभालो, इसकी ये सारी चीज़ें पता करो, पता होंगी लेकिन फिर भी रिवाइज करो इस टाइम पर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हु हैज़ रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज द CEO ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इनोवेशन हब RBIH। हाल ही में रिजर्व बैंक इनोवेशन हब के CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है ये इसमें पूछा गया है, और इसका जो आंसर हो जाएगा राजेश बंसल, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। राजेश बंसल ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। बंसल जी जो हैं ये आधार के फाउंडिंग मेंबर हैं, RBI इनोवेशन हब इन्फोसिस के को फाउंडर यश गोपाल कृष्णन के द्वारा जो है मैनेज किया जाता है, यही इसके हेड हैं, ठीक है। और अब इस इनोवेशन हब के बारे में यहाँ पर नहीं पढ़ेंगे, पिछले वीडियोस में आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा डिटेल में बताया जा चुका है। रिजर्व बैंक इनोवेशन हब के बारे में पिछले वीडियोस में काफ़ी ज़्यादा डिटेल से आप लोगों को बताया गया है, यहाँ पर नहीं पढ़ेंगे, आने वाले किसी और क्वेश्चन इसके बारे में थोड़ा सा देख लेंगे, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। विच फॉरेन पेमेंट सोल्यूशन कंपनी हैज रिसेंटली ऑन बोर्ड बाई द NPCI एज ए सर्टिफाइड पार्टनर टू डेवलप सॉफ्ट POS सोल्यूशन फॉर रुपे। किस विदेशी भुगतान समाधान कंपनी को हाल ही में NPCI द्वारा रुपए के लिए सॉफ्ट POS समाधान विकसित करने के लिए एक प्रमाणित भागीदार के रूप में शामिल किया गया है ये इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब होगा। हिंदी नहीं समझ में आए तो इंग्लिश समझना आप लोग, इसीलिए क्वेश्चन जो है दोनों लैंग्वेज में लिखा रहता है, ऑप्शन को हिंदी में लिखने की जरूरत नहीं है। इतनी हिंदी इतनी इंग्लिश आप लोगों को आती होगी, अगर इतनी इंग्लिश नहीं आती है तो बैंक में नौकरी करने के लायक नहीं हो आप लोग, ठीक है। और इसका जो आंसर हो जाएगा पे कोर, ऑप्शन नंबर ए, ठीक, ऑप्शन नंबर ए पे कोर इसका आंसर हो जाएगा। रुपे सॉफ्ट POS डेवलप करने के लिए NPCI ने जो है टर्की बेस्ड ग्लोबल पेमेंट सोल्यूशन कंपनी पे कोर के साथ में पार्टनरशिप किया हुआ है। रुपे के सर्टिफाइड पार्टनर के रूप में इसे जो है साइन किया गया है। ये जो पे कोर है ये टर्की बेस्ड कंपनी है, टर्की बेस्ड ग्लोबल पेमेंट सोल्यूशन कंपनी है, और इसी को जो है रुपे के लिए, इसी को जो है रुपे के सर्टिफाइड पार्टनर के रूप में साइन किया गया है, ठीक। NPCI की यहाँ पर बात हुई है, पहली चीज़ तो NPCI का फुल फॉर्म आप लोग कमेंट करो, क्या होता है NPCI का फुल फॉर्म। इसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में होगा, ठीक है ना, मुंबई महाराष्ट्र में होगा। इसके MD और CEO दिलीप एसबे हो जाएंगे, कौन हो जाएगा, दिलीप एसबे। NPCI का फुल फॉर्म आप लोग बताओ, NPCI में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि कौन सा वाला NPCI पूछ रहा हूँ। दिलीप एसबे जिसके MD और CEO हैं उसी वाले NPCI के यहाँ पर बात हो रही है, बहुत कॉमन चीज़ है, बताओ आप लोग इसका फुल फॉर्म बताओ क्या होगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। विच फाइनेंशियल कंपनी हैज रिसेंटली पार्टनर्ड विद विवृद्धि कैपिटल टू प्रोवाइड कैपिटल फाइनेंसिंग टू MSMEs बाई डिसबर्सिंग लोन्स वर्थ ₹300 करोड़। किस वित्तीय कंपनी ने हाल ही में 300 करोड़ रुपए का ऋण वितरण करके MSMEs को पूंजी वित्त पोषण प्रदान करने के लिए विवृद्धि कैपिटल के साथ भागीदारी की है, इस क्वेश्चन में पूछा गया है, इसका हिंदी में मतलब होगा, ठीक है। और इसका जो आंसर हो जाएगा फ्लेक्सी लोन्स, ऑप्शन नंबर बी, फ्लेक्सी लोन्स ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। MSMEs को टोटल 300 करोड़ रुपए की वर्किंग कैपिटल लोन के माध्यम से प्रोवाइड करने के लिए
फ्लेक्सी लोन्स ने विवृति कैपिटल के साथ में टाई अप किया हुआ है। एज पर SBI इको रैप्स रिसेंट रिपोर्ट, इंडियाज रियल GDP इज सेट टू ग्रो इन विच रेंज इन क्वार्टर वन ऑफ द फाइनेंशियल ईयर 22। SBI इको रैप की हालिया रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 22 की पहली तिमाही में भारत की वास्तविक GDP किस सीमा में बढ़ने वाली है, ये इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब है। और इसका जो आंसर हो जाएगा 10 से 15%, ऑप्शन नंबर बी, 10 से 15%, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट देखेंगे। विच बैंक हैज रिसेंटली इंप्लीमेंटेड ट्रांस यूनियंस ऑनबोर्डिंग सोल्यूशन फॉर डिजिटाइजिंग दी ऑनबोर्डिंग ऑफ इट्स क्रेडिट कार्ड कस्टमर्स। हाल ही में किस बैंक ने अपने क्रेडिट कार्ड ग्राहकों के ऑनबोर्डिंग को डिजिटाइज करने के लिए ट्रांस यूनियन के ऑनबोर्डिंग समाधान को लागू किया है, ये इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब है। यस बैंक, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। यस बैंक, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। यस बैंक ने अभी हाल ही में ट्रांस यूनियन ऑनबोर्डिंग सोल्यूशन को इम्प्लीमेंट किया हुआ है। क्रेडिट कार्ड कस्टमर्स के लिए ये इम्प्लीमेंटेशन किया गया है। इसके द्वारा कस्टमर्स को फ्रेंडली डिज़ाइन प्रोवाइड की जाएगी और कंपैरेटिवली कम टाइम लगेगा, किसी भी फिजिकल पेपर वर्क की आवश्यकता नहीं होगी। यहाँ पर बात हुई किसकी, यस बैंक की। यस बैंक के हेडक्वार्टर की अगर हम लोग बात करते हैं तो यस बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, मुंबई महाराष्ट्र में है। प्रशांत कुमार इसके MD और CEO हो जाएंगे। एक्सपीरियंस आवर एक्सपर्टाइज, ये जो है इसकी टैगलाइन हो जाएगी। ये बात हो गई यस बैंक की। यस बैंक के बारे में मैंने बता दिया, एक्सिस बैंक, ICICI बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ बड़ौदा के बारे में सारी चीज़ें आप लोगों को पता होंगी। थोड़ा सा चीज़ों को रिवाइज कर लेते हैं अभी। यस बैंक ने अभी कुछ टाइम पहले NPCI और मूवी सफ़र के साथ पार्टनरशिप में मूवी सफ़र वर्चुअल रुपे प्रीपेड कार्ड लॉन्च किया हुआ था। क्वेश्चन अगर ये भी पूछा जाता है इस तरीके से कि मूवी सफ़र वर्चुअल रुपे प्रीपेड कार्ड हैज रिसेंटली लॉन्च्ड बाय विच बैंक, तो इस केस में इसका आंसर हो जाता है यस बैंक। और यस बैंक ने अकेले इसको नहीं लॉन्च किया हुआ था, यस बैंक ने NPCI और मूवी सफ़र के साथ में मिलकर जो है इस वर्चुअल रुपे प्रीपेड कार्ड को लॉन्च किया हुआ था। करेंटली व्हाट परसेंट ऑफ PNB हाउसिंग शेयर इज हेल्ड बाय PNB, वर्तमान में PNB हाउसिंग शेयर का कितना प्रतिशत PNB के पास में है, ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। और 33%, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। कितना, 33%, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। अभी हाल ही में PNB और PNB हाउसिंग ने एक फ्रेश ब्रांड एग्रीमेंट साइन किया हुआ है, जिसके माध्यम से PNB को PNB हाउसिंग से अपना ब्रांड नेम हटाने का अधिकार दे दिया गया है। अभी वर्तमान में PNB हाउसिंग में PNB की हिस्सेदारी 33% की है। ठीक है, कितने की, 33% की है। और PNB हाउसिंग में अगर PNB की हिस्सेदारी 30% या इससे अधिक रहेगी तभी PNB ब्रांड का नाम यूज कर सकेगा PNB हाउसिंग। फिर से समझो, अगर 30% या इससे अधिक हिस्सेदारी PNB की रहेगी तभी PNB ब्रांड का नाम यूज कर सकेगा PNB हाउसिंग। ठीक है ना, 30% या 30% से अधिक रहेगी तभी PNB हाउसिंग जो है वो PNB का नाम यूज कर सकेगा। अगर PNB अपनी शेयर होल्डिंग 20% से कम कर लेता है तो PNB हाउसिंग को अगले 2 सालों तक यानी कि 24 महीने के भीतर अपना ब्रांड नेम चेंज करना होगा। PNB अगर PNB हाउसिंग में से अपनी हिस्सेदारी 20% से कम कर लेता है तो अगले 2 सालों के भीतर PNB हाउसिंग को अपना नाम जो है अपना ब्रांड नेम चेंज करना होगा, PNB का नाम उसे हटाना होगा। ठीक, और अभी करंट में उसकी हिस्सेदारी कितनी है, 33% की है, 33% की है। PNB के हेडक्वार्टर की बात करेंगे तो न्यू दिल्ली में जो है इसका हेडक्वार्टर है, नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। टैगलाइन की बात करेंगे तो द नेम यू कैन बैंक अपॉन इसकी टैगलाइन हो जाएगी। MD और CEO की बात करेंगे तो SS मल्लिकार्जुन राव जो है वो इसके MD और CEO हो जाएंगे। चलिए अगला देखते हैं। डिजिटल वॉलेट पॉकेट्स बिकेम द फर्स्ट इन इंडिया इन द डिजिटल वॉलेट सेक्टर टू लिंक ई वॉलेट विद UPI नेटवर्क, इट बिलोंग्स टू विच बैंक। डिजिटल वॉलेट पॉकेट्स भारत में डिजिटल वॉलेट के क्षेत्र में UPI नेटवर्क के साथ ई वॉलेट को जोड़ने वाला पहला बन गया है, और यह किस बैंक से संबंधित है, मतलब कि जो ये पॉकेट्स है किस बैंक से संबंधित है, तो इसका जो आंसर होगा ICICI बैंक, ऑप्शन नंबर डी, ये ICICI बैंक से संबंधित है। ICICI बैंक का हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में हो जाएगा। संदीप बख्शी इसके जो हैं MD और CEO हो जाएंगे। हम हैं ना ख्याल आपका, ये ICICI बैंक की टैगलाइन हो जाएगी। ठीक, अब थोड़ा सा जान लेते हैं पॉकेट के बारे में। ठीक है ना, पॉकेट जो है ये ICICI बैंक का ई वॉलेट है, और इसके UPI से लिंक हो जाने के बाद में ICICI बैंक के कस्टमर्स जो हैं वो अपने वॉलेट बैलेंस से ही UPI ट्रांजेक्शन्स कर सकेंगे। सेविंग अकाउंट के बजाय वॉलेट बैलेंस से ही ट्रांजेक्शन किए जा सकेंगे। ठीक है ना, और बहुत ज़्यादा डिटेल में जानने की ज़रूरत नहीं है। UPI और भीम का फुल फॉर्म क्या है आप लोग कमेंट कर बताओ। UPI और भीम,
इसका फुल फॉर्म क्या है आप लोग कमेंट करके बताओगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। एज पर आरबीआई एनुअल रिपोर्ट 2021 रिलीज इन मई, बैंक फ्रॉड्स इन टर्म्स ऑफ वैल्यू हैज फॉलन डाउन बाई व्हाट परसेंट इन 2020 to 2021। मई में जारी आरबीआई की वार्षिक रिपोर्ट 2020-21 के अनुसार मूल्य के मामले में बैंक धोखाधड़ी में 2020-21 में कितने प्रतिशत की गिरावट आई है, ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। और 25% की गिरावट आई है, ऑप्शन नंबर डी 25% इसका आंसर हो जाएगा। आरबीआई ने अभी हाल ही में 2021 के लिए अपनी एनुअल रिपोर्ट जो है वो जारी की है, जिसके अनुसार बैंक फ्रॉड में 25% की कमी आई है। और ये 25% की कमी आई है और 25% की कमी के बाद अब ये घटकर 1.38 ट्रिलियन, मैं लिख रहा हूँ ठीक है ना, 1.38 ट्रिलियन रुपीज़, ठीक है ना, ट्रिलियन रुपीज़ ही बचा हुआ है। मतलब कि 25% की कमी आने के बाद में अब ये घटकर 1.38 ट्रिलियन रुपीज़ ही बचा हुआ है। और 25% की जो कमी आई है ये पैसों के मामले में आई है, ठीक है ना। और अगर नंबर ऑफ केसेस ऑफ फ्रॉड्स की बात की जाए तो उसमें 15% की कमी आई है। दोनों क्वेश्चन का डिफरेंस समझना आप लोग, ठीक है ना, दोनों के बीच का डिफरेंस आप लोगों को समझना है, 25% और 15%। 25% जो आई है इन टर्म्स ऑफ वैल्यू आई है, 25% का मतलब हो जाएगा कि जैसे 100 रुपये की कमी आई, 200 रुपये की कमी आई, 300 रुपये की कमी आई, 400 रुपये की कमी आई ना, तो ये वैल्यू के टर्म्स में है। तो 25% का मतलब कितना हो जाएगा, 1.38 ट्रिलियन रुपीज़ की कमी आई हुई है बैंक फ्रॉड के मामले में, ये तो वैल्यू में हो गई। और 15% जो है ये 15% है इन टर्म्स ऑफ नंबर्स ऑफ फ्रॉड, मतलब कि जो फ्रॉड्स हैं उसके नंबर्स में कमी है, जैसे कि 100 केस हुए फ्रॉड के, 200 केस हुए, 300 केस हुए, 400 केस हुए, 500 केस हुए ना, तो उस तरीके उसमें जो है ये 15% की कमी आई है। तो ये दोनों का डिफरेंस आप लोग समझना और क्वेश्चन पढ़कर ही ऑप्शन लगाना, पूछना देखना वहाँ पर कि क्या पूछा गया। जैसे इसमें पूछा गया फ्रॉड्स इन टर्म्स ऑफ वैल्यू, ठीक ना, तो वैल्यू के लिए जो है 25% का आंसर हो जाएगा। और अगर ये पूछ लिया जाता कि इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ केसेस, ठीक है ना, तो वहाँ पर आप लोग क्या लगाते, 15% लगाते। इस तरीके से आप लोग समझना, ठीक, इस तरीके से आप लोग समझना। और इस क्वेश्चन में बस इतना ही पढ़ेंगे हम लोग, बाकी आरबीआई एनुअल रिपोर्ट जो है उसकी पूरी की पूरी हाईलाइट आरबीआई कहता है वाली सीरीज में है। आरबीआई कहता है नाम से हम लोगों ने एक सीरीज चला रहे हैं, वहाँ पर इसकी पूरी की पूरी जो आरबीआई की एनुअल रिपोर्ट है वहाँ पर इसके बारे में मैक्सिमम पॉसिबल क्वेश्चंस आप लोगों को बताया गया है, आप लोग जाकर वहाँ पर देख सकते हैं। नहीं तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दे दिया गया है, आई बटन पर भी उसका लिंक आ रहा है, वहाँ से भी जाकर आप लोग उसको देख सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। RBI has recently imposed a penalty of 10 crores on which bank after finding irregularities in the bank auto loan portfolio. भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में बैंक ऑटो ऋण पोर्टफोलियो में अनियमितताओं का पता लगाने के बाद किस बैंक पर 10 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है, किस बैंक पर जुर्माना लगाया गया है ये इसमें पूछा गया है, क्यों लगाया गया है ये इस क्वेश्चन में ही बता दिया गया है। तो ये चीज़ आप लोगों को पता होनी चाहिए, HDFC बैंक ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। 10 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है, क्यों लगाया गया है ये भी बता दिया गया है। HDFC बैंक की टैगलाइन क्या है आप लोग कमेंट कर दो फटाफट। व्हिच बैंक हैज रिसेंटली अलॉटेड 203 करोड़ प्रेफरेंशियल शेयर टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर ₹2600 करोड़ कैपिटल इन्फ्यूजन। किस बैंक ने हाल ही में भारत सरकार को 2600 करोड़ के पूंजी निवेश के लिए 203 करोड़ तरजीही शेयर आधारित किए हैं, ठीक है ना। हिंदी में इसका मतलब यही होगा, तरजीही का मतलब क्या होता है, प्रेफरेंशियल, ठीक है, इसका ट्रांसलेशन ऐसे ही हुआ था। तो अगर हिंदी ना समझ में आए तो इंग्लिश आप लोग देखना। और इसका जो आंसर हो जाएगा यूको बैंक ऑप्शन नंबर सी यूको बैंक इसका आंसर हो जाएगा। यूको बैंक के हेडक्वार्टर वगैरह की अगर बात करें तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, कोलकाता वेस्ट बंगाल में जो है इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। MD और CEO की अगर हम लोग बात करेंगे तो अतुल कुमार गोयल ये इसके MD और CEO हो जाएंगे, ठीक है। टैगलाइन की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये आप लोगों को बतानी है, ठीक। 2600 करोड़ रुपए का कैपिटल इन्फ्यूज़न करने के लिए यूको बैंक ने सेंट्रल गवर्नमेंट को 203 करोड़ प्रेफरेंशियल शेयर अलॉट किए हुए हैं। ये वैल्यू भी याद रखना, ये नंबर ऑफ शेयर्स भी याद रखना, ये सारी चीज़ें को याद रखना। यूको बैंक के बारे में मैंने बता दिया है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, यूनाइटेड बैंक और कैनरा बैंक, इनका हेडक्वार्टर, टैगलाइन, MD CEO ये आपको पता होगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। आगे बढ़ेंगे। एज ए पार्ट ऑफ द फाइट अगेंस्ट COVID-19 व्हिच बैंक हैज रिसेंटली लॉन्च्ड 3 loan schemes टू ऑफर हेल्थ केयर, क्रेडिट, बिजनेस एंड पर्सनल लोन टू इंडिविजुअल्स, ठीक है। COVID-19 के खिलाफ लड़ाई के एक भाग के रूप में किस बैंक ने हाल ही में व्यक्तियों को स्वास्थ्य ऋण, व्यवसाय और व्यक्तिगत ऋण प्रदान करने के लिए 3 ऋण योजनाएं शुरू की हैं, ये इसमें पूछा गया है। कैनरा बैंक ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना।
कैनरा बैंक ने कोविड-19 से फाइट करने के लिए अभी हाल ही में 3 लोन स्कीम्स जो हैं लॉन्च की है। और कौन कौन सी ये 3 लोन स्कीम्स हैं इसके बारे में हम लोग जानेंगे यहाँ पर, ठीक है ना। पहली स्कीम का नाम क्या है? पहली स्कीम का नाम है कैनरा चिकित्सा हेल्थ केयर क्रेडिट फैसिलिटी। कैनरा चिकित्सा हेल्थ केयर क्रेडिट फैसिलिटी, ठीक है। ये आप लोग नाम वगैरह लिखते रहना। हालांकि पेड पीडीएफ जिसको आप लोगों को मिलने वाली है, ऐप डेवलपमेंट का काम लगभग खत्म हो गया है, बहुत जल्दी आप लोगों को सारी चीज़ें वहाँ पर मिलेंगी, ठीक है। तो वहाँ पर तो सारी चीज़ें मिल ही जाएंगी, लेकिन जो जो लोग ऐप पीडीएफ वगैरह परचेज नहीं कर सकते हैं वो आप लोग यहाँ पर इन सारी चीज़ों को लिखते हुए चलना, ठीक है। नोट डाउन करते रहना, नोट्स वगैरह आप लोग बनाते रहना। तो कैनरा चिकित्सा हेल्थ केयर क्रेडिट फैसिलिटी जो है ये पहली स्कीम लॉन्च की गई कैनरा बैंक के द्वारा। और इस स्कीम के तहत में रजिस्टर्ड हॉस्पिटल्स, नर्सिंग होम्स, डायग्नोस्टिक सेंटर्स, पैथोलॉजी लैब्स और हेल्थ केयर से जुड़े हुए दूसरे संस्थानों को 10 लाख रुपए से लेकर 50 लाख रुपए तक का लोन दिया जाएगा। ये मैं लिख दे रहा हूँ, 10 लाख से लेकर 50 लाख रुपए तक का लोन दिया जाएगा, ठीक है। 50 लाख रुपए तक का लोन देने का प्रावधान है और इस लोन पर इंटरेस्ट रेट भी कम लगेगा। 10 साल के लिए ये लोन दिया जाएगा। कितने साल के लिए? 10 साल के लिए इस पे लोन दिया जाएगा और 18 महीने का मॉरेटोरियम पीरियड भी इसमें दिया जाएगा। 31 मार्च 2022 तक ये लोन फैसिलिटी अवेल की जा सकती है। कब तक? 31 मार्च 2022 तक ये लोन फैसिलिटी अवेल की जा सकती है। ये बात हो गई पहले इंश्योरेंस स्कीम की, पहले लोन स्कीम की। पहले लोन स्कीम का नाम मैं फिर से बोल रहा हूँ, जिन लोगों ने नहीं लिखा हो लिख लो, नहीं तो क्या करना है कि आप लोग वीडियो को पीछे करके एक बार देख लेना। पहली लोन स्कीम का नाम था कैनरा चिकित्सा हेल्थ केयर क्रेडिट फैसिलिटी। दूसरी जो लोन स्कीम लॉन्च की गई उसका नाम है कैनरा जीवन रेखा हेल्थ केयर बिजनेस लोन। कैनरा जीवन रेखा हेल्थ केयर बिजनेस लोन, हेल्थ केयर बिजनेस लोन, ठीक है। ये दूसरी स्कीम है और इस स्कीम के तहत में ऑक्सीजन सप्लाई से रिलेटेड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स एमएसएमईज को सस्ते दरों पर, सस्ते रेट्स पर 2 करोड़ रुपए तक का लोन प्रोवाइड किया जाएगा। कितने का? 2 करोड़ रुपए तक का लोन प्रोवाइड किया जाएगा। और इस स्कीम की भी वैलिडिटी जो है वो 21 मार्च 2022 तक ही, 31 मार्च 2022 तक ही रहेगी। यानी कि इस लोन स्कीम को भी 31 मार्च 2022 तक अवेल किया जा सकता है। तीसरी और आखिरी लोन स्कीम जो है उसका क्या नाम है? उसकी नाम है कैनरा सुरक्षा पर्सनल लोन स्कीम। कैनरा सुरक्षा पर्सनल लोन स्कीम, ठीक है ना। ये तीसरी स्कीम का नाम है और इस स्कीम के तहत में क्या हो जाएगा? इस स्कीम के तहत में कोविड ट्रीटमेंट के लिए 25,000 रुपये से लेकर 5 लाख रुपये तक, 25,000 रुपये से लेकर 5 लाख रुपये तक का इमीडिएट लोन प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। 6 महीने का उसमें मॉरेटोरियम पीरियड भी मिलेगा, लोन जमा करने के लिए 6 महीने का मॉरेटोरियम पीरियड भी मिलेगा। और इस स्कीम को जो है 30 सितंबर 2021 तक ही अवेल कर सकते हैं, 30th of September 2021, ठीक है ना। कौन सी वाली स्कीम को? कैनरा सुरक्षा पर्सनल लोन स्कीम को, जिसमें कि 25,000 रुपये से लेकर 5 लाख रुपये तक का लोन कोविड-19 के ट्रीटमेंट के लिए दिया जाएगा। इस स्कीम को 30 सितंबर 2021 में, यहाँ अलग से लिख दे रहा हूँ, 30 सितंबर 2021 तक ही अवेल किया जा सकता है, ठीक। तो कुल मिलाकर ये इस क्वेश्चन में मैक्सिमम पॉसिबल चीज़ें जो आप लोगों को बताई जानी चाहिए थी मैंने बता दिया है। तीनों लोन स्कीम का नाम आप लोग नोट डाउन कर लेना, कितने कितने का लोन दिया जाता है, कब तक उसकी ड्यूरेशन होती है, कब तक लोन अवेल कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें आप लोगों को पता होनी चाहिए। कौन से लोन स्कीम में किसको लोन दिया जाता है ये सब कुछ आप लोगों को यहाँ पर बता दिया गया है, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, इसीलिए ध्यान से आप लोग इसको समझना। अब बात हो रही है कैनरा बैंक की, तो कैनरा बैंक की थोड़ी बहुत कहानी और हम लोग समझ लेते हैं। हेडक्वार्टर इसका बेंगलुरु कर्नाटका में हो जाएगा, ठीक है ना। एमडी और सीईओ की अगर हम लोग बात करेंगे तो एलवी प्रभाकर, ठीक, क्या हो जाएगा? एलबी प्रभाकर जो है इसके एमडी और सीईओ हो जाएंगे। कैनरा बैंक के बारे में हमने बता दिया। यूको बैंक, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और पंजाब नेशनल बैंक, ये आप लोगों को बताना है कमेंट कर, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ेंगे और देखेंगे कि उस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। व्हिच कंपनी हैज रिसेंटली लॉन्च द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड क्रिप्टो बेस्ड लेंडिंग प्लेटफॉर्म इन इंडिया? हाल ही में किस कंपनी ने भारत में अपनी तरह का पहला क्रिप्टो आधारित लेंडिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया हुआ है? इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब है और इसका जो आंसर हो जाएगा जेब पे, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी जेब पे इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। और इससे ज़्यादा कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं, बस ये नाम आप लोग याद रखो, ये क्वेश्चन आप लोग याद रखो, ठीक, जिससे कि अगर एग्जाम में कुछ पूछा जाए तो कहीं से कुछ भी चीज़ें छूट ना जाएँ, इस हिसाब से हम लोग चीज़ों को कवर करते हुए चलना, ठीक है। अगला और लास्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग इस वीडियो का और इस महीने का भी। हु इज़ द हेड ऑफ दी 7 मेंबर वर्किंग ग्रुप ऑफ स्टेट्स मिनिस्टर विच इज सेटअप बाई द फिनेंस मिनिस्टर टू एवेलेट दी GST वैल्यूएशन ऑन कैसिनोज, केयर रेस कोर्सेज एंड ऑनलाइन गेमिंग कंपनीज?
राज्यों के मंत्रियों के 7 सदस्यीय समूह का प्रमुख कौन है, जिसे वित्त मंत्रालय द्वारा कैसिनो, रेसकोर्स और ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों पर जीएसटी मूल्यांकन करने के लिए स्थापित किया गया है, इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब है, ठीक है ना। वित्त मंत्रालय ने राज्यों के मंत्रियों राज्य मंत्रियों के 7 लोगों का एक समूह बनाया हुआ है, और ये समूह जो है वो कैसिनो, रेस कोर्स और ऑनलाइन गेमिंग पर जीएसटी का मतलब जीएसटी एवेल्युएशन करेगा, उसके बारे में अपनी रिकमेंडेशन जो है फाइनेंस मिनिस्ट्री को सौंपेगा, और इस 7 सदस्यीय समूह का प्रमुख कौन है, यही इस क्वेश्चन में पूछा गया है। नितिन पटेल ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा, ठीक है, नितिन पटेल ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। नितिन पटेल हैं कौन, इनकी अपनी खुद की आइडेंटिटी क्या है, तो ये जो हैं डिप्टी सीएम हैं गुजरात के, क्या हैं ये डिप्टी सीएम हैं किसके, गुजरात के, ठीक है ना, ये गुजरात के डिप्टी सीएम हैं। और बाकी ऑप्शन में जो और लोग दिए गए हैं ये सभी इस वर्किंग ग्रुप के मेंबर्स हैं, टोटल 7 लोगों की कमेटी है ये, ठीक है। 5 नाम यहाँ पर और बता दिए गए, 2 नाम जो रह रहे हैं उसको जाने की जरूरत नहीं है, इस कमेटी के हेड कौन है बस यही इतना जानना था, नितिन पटेल, ठीक, ये हम लोगों ने यहाँ पर जान लिया, ठीक है। और अभी क्या होता था कि अभी कैसीनो पर, हॉर्स रेसिंग पर, ऑनलाइन गेमिंग पर जो है वो 18% की जीएसटी लगाई जाती है, जीएसटी लगती है, और ये जो 7 लोगों का ग्रुप बनाया गया है ये इस जीएसटी की समीक्षा करेगा और अपनी रिकमेंडेशन जो है 6 महीने के भीतर, 6 मंथ के भीतर अपनी रिकमेंडेशन जो है वो जीएसटी काउंसिल को दे देगा, ये बताएगा कि इस पे जीएसटी बढ़ाई जानी चाहिए या घटाई जानी चाहिए, अपने जो भी और सुझाव होंगे, इन 6 महीनों के भीतर में ये ग्रुप जो है अपनी रिकमेंडेशन जीएसटी काउंसिल को दे देगा, ठीक। तो ऑप्शन नंबर सी नितिन पटेल इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आज के वीडियो में हम लोगों ने मई लास्ट वीक का बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस यहाँ पर कंप्लीट कर लिया हुआ है, ठीक है। मई फर्स्ट 2 वीक का भी रह रहा है, मुझे पता है बहुत जल्दी उसको मैं पूरा करा दूंगा, ठीक है। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, यहाँ पर हम लोग या तो मई का डिस्कस करेंगे या तो फिर जून का डिस्कस करेंगे, ठीक। चलिए वाइंड अप करते हैं वीडियो को यहाँ पर।